नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। मुझे दोस्तों अक्सर आप ये पूछा करते हैं कि फास्टिंग डाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वजन कम करने के लिए डाइट करते समय हमें उसमें वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है और मैं ये अक्सर कहती रहती हूँ कि एक ही प्रकार का डाइट हर एक की बॉडी को सूट नहीं करता। कुछ लोगों का स्पेसिफिक डाइट से वजन कम होता है तो कुछ लोगों का वही डाइट प्लान फॉलो करने के बाद भी वजन कम नहीं होता। और अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हो चैनल पर, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि मैं अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान आपको बताती रहती हूँ। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा डाइट प्लान है फास्टिंग डाइट प्लान, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान। इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, लंच भी ले सकते हो और डिनर भी खा सकते हो, और आपके टाइमिंग के हिसाब से आप फास्टिंग कर सकते हो। फिर आप नौकरी करने वाले हो या आप हाउसवाइफ हो या आप सुबह नींद से लेट उठते हो या आप जल्दी भी उठते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान में टाइमिंग को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबके लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट बहुत ही अच्छा है और सुटेबल है। मैं आपको आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है ये इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें से कुछ वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, रेफरेंस के लिए वो भी आप देख लीजिए। उससे आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट के बारे में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ईटिंग विंडो होता है और दूसरा फास्टिंग विंडो होता है। ईटिंग विंडो में आप खाना खाते हो और फास्टिंग विंडो में आप फास्टिंग यानी उपवास करते हो। दोस्तों, बस डाइट के ईटिंग विंडो में आप 5-6 बार मत खाइए, क्योंकि आप जितनी बार थोड़ा भी कुछ खाओगे तो आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और अगर बार बार खाने से आपके शरीर में ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो आपका मोटापा फॉर श्योर कम नहीं होगा तो बढ़ते ही रहेगा, और इतना ही नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चर्बी आपके पेट में जमा हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग बार बार खाते हैं या इवन बार बार चाय कॉफी भी पीते रहते हैं उनका हमेशा पेट का घेरा ज्यादा ही होता है। वैसे तो 16:8 ये एक स्टैंडर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइप होता है, लेकिन मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं हमेशा कहती रहती हूँ अगर आपको एकदम 16 घंटे फास्टिंग नहीं होती है तो आप पहले 14 घंटे करें, 14 घंटे भी अगर नहीं होती है तो आप 12 घंटे पहले फास्टिंग डाइट कीजिए, और धीरे धीरे आपके फास्टिंग का टाइम आप 14 या 16 घंटे तक कीजिए। और रही बात वेज या नॉन वेज खाने की, तो आप बस आपके हिसाब से आपको सुटेबल हो वो खाना आप लीजिए। यहाँ पे मैं डिबेट नहीं करना चाहती हूँ कि नॉन वेज खाना बुरा है या वेज खाना अच्छा है। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, बहुत पहले मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खाती थी, लेकिन अब मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ। और वेजिटेरियन में भी प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं जो आपके वेट लॉस को भी मदद करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चिकन, फिश और अंडे से आपके शरीर को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है, जो वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको रेड मीट पूरी तरह से अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि रेड मीट में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन इंटेक पर ध्यान रखना होगा, आपको आपके डाइट प्लान में प्रोटीन रिच चीजें खानी होगी। उसके लिए ऑलरेडी मैंने प्रोटीन फूड्स के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहिए तो आप उसे भी देख लीजिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन में आपको मुझे इतना ही बताना है कि आप डाइटिंग करने की जगह फास्टिंग करें। आपके शरीर को फास्टिंग से वेट लॉस के अलावा भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपको सीरियसली बेली फैट कम करना है, वजन कम करना है, तो अच्छे से फास्टिंग डाइट प्लान फॉलो करें। उसमें आप वेजिटेरियन खाना खाइए या नॉन वेजिटेरियन खाना खाइए, आपको फायदा ही होगा। और एक बात सच है कि फास्टिंग डाइट से आप इजीली 10 से 15 किलो भी वजन 2-3 महीनों में कम कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।